तो दोस्तों रामेश्वरम और कन्याकुमारी घूमने के बाद अब मैं आ गई हूँ दुनिया का सबसे अमीर मंदिर देखने के लिए। जी हाँ, इसका नाम है पद्मनाभ टेम्पल। कन्याकुमारी से 87 किलोमीटर बाय ट्रेन सफर करके मैं आ चुकी हूँ तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला की राजधानी है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी है, मेरा कार्ड फुल होने वाला है, ऑलमोस्ट ओनली 1 मिनट लेफ्ट बचा है शूट करने का। तो मैं फटाफट से शॉप ढूंढती हूँ। यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। यहाँ मैं पहले कार्ड खरीदूंगी, कैमरे में कार्ड लगाऊंगी, उसके बाद मैं आगे की शूटिंग करूंगी। रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पर मुझे ये शॉप मिली है जहाँ से मैंने कार्ड परचेज कर लिया है, सैंडिस्का 64 GB मेमोरी कार्ड। लेकिन दोस्तों अभी छोटा सा ट्विस्ट है, मंदिर जो है शाम को 4 बजे खुलेगा और अभी हमारे पास में काफी सारा टाइम है। तो हमने फटाफट से प्लान बनाया और हम गए हैं जू देखने के लिए। अभी टाइम था क्योंकि 12 से 5 के बीच में मंदिर बंद रहता है, तो इस बीच अभी हमारे पास में है 3 घंटे, तो हम जू देख सकते हैं, पाइनएप्पल जूस। तो देखिए यहाँ पे जो एक शॉप है, यहाँ मुझे काफी अच्छा सा लग रहा है। अरे ये तो गोलगप्पे बना रहे हैं, ये आंटी ने खाए हैं लेकिन हमने नहीं लिए हैं। हम लेंगे चटपटा चाट जो कि ये बना रहे हैं, और इस चाट को खाने के बाद में हम जाएंगे जू देखने के लिए। दिस इज केरला स्पेशल चाट। थैंक यू, ऐसी चीजें देता रहेगा, मैं तेरे को हमेशा खुश रखेगा। तो टिकट लेने के बाद, बैग को जमा करने के बाद में हम आ गए हैं जू में। कैमरा अगर आप लेते हैं तो उसके लिए अलग से टिकट देना पड़ेगा, उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगी कि कितना यहाँ का टिकट होता है, कितना कैमरे का टिकट लगता है। पहले यहाँ के जानवरों से बातें करते हैं, घूमते हैं उनके साथ, देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। ये स्मूथ इंडियन ओटर। तो इस जू में मैंने काफ़ी सारे जानवर देखे हैं। कुछ जानवर ऐसे थे जिनके नाम मुझे पता भी नहीं थे कौन कौन से जानवर हैं, लेकिन आप देख लीजिए इनकी क्लिप्स। और मैंने भालू काफ़ी दिनों बाद देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी से वो काफ़ी परेशान हैं। ब्लैक मंकी। और इस जू में आने के लिए टिकट है 30 रुपीज़ पर पर्सन, और बैटरी कार के लिए है 60 रुपीज़ पर पर्सन। Hot coffee for father and this is cold coffee for me, for you and this is mine। तो इस जू में आने के लिए 30 रुपीज़ टिकट लगता है, और अगर बैटरी कार से आते हैं तो उसका 60 रुपीज़ टिकट लगता है। और इस जू में ज़्यादातर बर्ड्स ही हैं, और 2-3 तरह के हिमालयन बियर, इस तरह के जीव जंतु हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। इसमें कैमरा के लिए 50 रुपीज़ और वीडियोग्राफी के लिए 200 रुपीज़ है। तो ये था जू, और अब चलते हैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। तो अब हम ऑटो से जा रहे हैं पद्मनाभ टेम्पल। काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे क्योंकि राजधानी है ये केरल की, तो सड़क से ही लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, कितने सारे वाहन आ जा रहे हैं। और हम पहुंच चुके हैं पद्मनाभ टेम्पल, और यहाँ आने के बाद में लेकिन एक प्रॉब्लम है। नाउ आई हैव रीच्ड एट पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, और यहाँ पे है अमानती सामान यानी कि क्लोक रूम, यहाँ पर सामान वगैरह जमा करवा सकते हैं। तो मेरे सामने ये है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, और ये द्रविड़ शैली और केरल शैली में बना हुआ है, यानी कि मिक्सचर है ये दो शैलियों का। यह पद्मनाभ टेम्पल के बाहर का नज़ारा है। इस तरह से एकदम मेन सड़क है, यहाँ पे मार्केट है, मार्केट के सामने ही ये मंदिर बना हुआ है। तो मंदिर में चलते हैं, लेकिन मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, तो कैमरा वगैरह हम यहाँ पे अभी जमा करवा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला है कि हमें जो है धोती पहननी पड़ेगी, चाहे यहाँ पर फीमेल हो या मेल हो, दोनों को यहाँ पर धोती पहन के जाना पड़ता है। मंदिर से आने के बाद बताती हूँ आपको क्या कुछ है मंदिर के अंदर, क्या कुछ स्पेशल है।
गाइस ये है पद्मनाभ टेंपल जो कि सुबह 3:30 बजे से रात के 8 बजे तक खुला रहता है, लेकिन बीच बीच में ये आधे आधे घंटे के लिए भी बंद रहता है। और इस मंदिर में जाने के लिए सबसे पहली शर्त होती है आपको धोती पहनकर जाना होता है और मोबाइल कैमरा स्मार्ट वॉच कुछ भी अलाउ नहीं है इस मंदिर में जाने के लिए। तो देखिए मैंने भी इस मंदिर में जाने के लिए धोती पहनी है और धोती इस मंदिर के बाहर मिल जाती है 130 रुपीज और फीमेल के लिए 80 रुपीज में यहाँ पे धोती मिलती है। इस मंदिर का इतिहास 8वीं सदी का है, लेकिन जो ये मंदिर बना हुआ है वो है 8वीं शताब्दी का और इस टेम्पल को वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट टेम्पल घोषित किया हुआ है, सबसे अमीर मंदिर है ये। टेम्पल के सामने ये एक वेज रेस्टोरेंट है जहाँ पे प्रॉपर वेज ही खाना मिलता है। यहाँ पे पूरी भाजी, परोठा, चपाती, डोसा, ये हमारा खाना आ चुका है। दिस इज चपाती सेट। तो रोटी को यहाँ पर रोटी सब्जी अगर लेते हैं तो चपाती सेट कहा जाता है और ये है मसाला डोसा। पद्मनाभ जो है विष्णु भगवान ही है, उन्हीं का दूसरा नाम है। तो विष्णु भगवान की यहाँ पे अनंत शयनम मुद्रा में काफी बड़ी यहाँ पर मूर्ति है जो कि लेटी हुई मुद्रा में है और ये एक पहला मंदिर होगा जहाँ विष्णु भगवान लेटी हुई मुद्रा में है। बहुत ही सुंदर, और मंदिर के अंदर जब जाते हैं तो बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे मंडप बने हुए हैं। आई होप ये सब जान के आपके अंदर भी एक्साइटमेंट आया होगा ये मंदिर देखने के लिए। तो भाई ये है दुनिया का सबसे अमीर मंदिर, क्योंकि यहाँ पे जो दान है सबसे ज्यादा चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों तिरुवनंतपुरम में हमने देखा है जू और पद्मनाभ टेंपल देखा है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो शेयर कर दीजिए आगे। टाटा बाय बाय, जय माता दी।